नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। स्पेशल टास्क फोर्स और ज़िले की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की बाइक, तमंचा, मोबाइल फ़ोन और करीब 2,000 रुपए बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने सोमवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों को बताया कि सिगरामऊ व महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट की घटनाओं के राजफास को एसपी राजकरण नैयर ने दोनों थानों की पुलिस टीम गठित की थी। मिले सुराग के आधार पर एसटीएफ लखनऊ और दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अंतरजनपदीय लुटेरों में चंदन जायसवाल निवासी तुरकौली थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़, बलजीत यादव उर्फ विधायक निवासी सोनावा सुगनीपुरवा बगिया थाना चांदा सुल्तानपुर है। चंदन के पास से तमंचा, दो कारतूस व 1150 रुपए मिले। बलजीत यादव उर्फ विधायक के पास से 900 रुपए, चोरी का मोबाइल फ़ोन व सिगरामऊ थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक बरामद हुई। आरोपितों ने महाराजगंज थाना क्षेत्र में बीते 14 मई को धनदेई पेट्रोल पंप से लूट की घटना को भी अंजाम देना कबूल किया। उन्होंने बताया कि चंदन जायसवाल के खिलाफ सिगरामऊ महाराजगंज सुल्तानपुर के करौदी कला थानों में चोरी लूट व अवैध शस्त्र अधिनियम के 5 जबकि बलजीत यादव के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। क्या वर्कआउट किया इसका आज का? ये दिनांक 14 मई को थाना महाराजगंज के धनदेई पेट्रोल पंप पर एक लूट की घटना हुई थी। दिन में बहुत सनसनीखेज घटना थी, तो उसमें 3 टीमें बनाई गई थी जो बदलापुर के नेतृत्व में, तो उसमें एक अभियुक्त पहले ही पकड़ा गया है और सीसीटीवी फुटेज देखने से भी पता चला था कि उसमें 5 लोगों का गैंग था, 2 मोटरसाइकिलों का। तो लूट की जगह इसको उसी समय डकैती की धाराओं में तरमीम कर दिया गया था। तो इसमें 4 अभियुक्त शेष रह गए थे और इनकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो एक अभियुक्त को कल एसटीएफ लखनऊ के द्वारा जीतू जायसवाल पकड़ा गया और लखनऊ में उसको दाखिल किया गया है। शेष 3 में से 2 अभियुक्त चंदन जायसवाल और श्याम यादव ये पकड़े गए हैं, जिसमें कि लखनऊ एसटीएफ, एसएचओ सिगरामऊ और एसओ बदलापुर, इनकी टीम ने इनको हरिहरपुर नहर के किनारे से कल शाम को 8:15 बजे के लगभग गिरफ्तार किया है। तो इनसे पूछताछ पर ये क्लियर हुआ कि इसके पहले सिगरामऊ थाने से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और मोबाइल चोरी हुआ था, उसकी घटना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था और इस महाराजगंज के पेट्रोल पंप की लूट में वो मोटरसाइकिल भी प्रयुक्त हुई थी जो कि इस समय श्याम के पास में है। तो सिगरामऊ की चोरी का मोबाइल इस बलजीत यादव से बरामद हुआ है। श्याम की गिरफ्तारी अभी शेष है और चंदन जायसवाल से जो यहाँ महाराजगंज पेट्रोल पंप से बैग लूटा गया था 3 और पैसे लूटे गए थे, यद्यपि एफआईआर में 44,000 रुपये का उल्लेख है, लेकिन इनके अनुसार 13,300 रुपये थे, उसमें से 2,500 रुपये इनके हिस्से में आया था, तो उसमें से अधिकांश पैसा खर्च हो गया है। 1,100 रुपये इनसे बरामद हुआ है। इस लूट कांड में सर अब तक कितने लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कितने पर क्या का इनाम था? इसमें पहला अभियुक्त जिससे घटना का अनावरण हुआ, अनिल पाल, इसको स्थानीय पुलिस बदलापुर और सिगरामऊ ने बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया था। 4 अभियुक्त शेष थे, उस 4 में से 4 पर 25,000 का इनाम था। एक अभियुक्त को कल लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 को कल शाम को हमारी स्थानीय पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, तो 5 में से अब तक 4 गिरफ्तार हो गए हैं, मात्र एक अभियुक्त श्याम बचा हुआ है। क्या ये पेशेवर थे सर? कैसे, मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये कहीं निशाना कहीं और होता है, फिर नहीं मिलने के किसी इसमें से जो शिकार बना लेते हैं, जो जीतू जायसवाल है ये, जिसको कि एसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार किया है, इसके ऊपर 12 मुकदमे हैं और सभी हार्डकोर हैं, डकैती और लूट के मुकदमे हैं, गैंगस्टर के मुकदमे हैं और अधिकांश घटनाएं ये ट्रेनों में करता है, ट्रेनों के बाद भी और भी लूटे करता है। तो इस बार 12-13 मुकदमे, जिसमें से 4-5 मुकदमे इसके डकैती और लूट के हैं। श्याम भी हार्डकोर क्रिमिनल है
और बाकी ये जो है इनके खिलाफ भी ज़्यादा मुकदमे तो नहीं हैं, लेकिन ये उन्हीं के साथी हैं, घटनाएं कई किया है, ज़्यादा में भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं। इस लूटकांड से सर कितना अपराध को लगाम लगेगा जौनपुर समेत आसपास इलाकों? निश्चित रूप से ये अंतर जनपदीय गिरोह है जिसने सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और हमारे जनपद जौनपुर में घटनाओं को अंजाम दिया है, साथ में रेलवे में भी घटनाओं को अंजाम दिया है, तो इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से घटनाएं रुकेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।